Let's do question number 13th of exercise 7C, that is lines and angle. Question number 13th is, in the given figure, AB is parallel to CD. AB CD ke parallel hai. Find the value of X. Ye X hai friends, ye hame 85 degree de rakha hai, ye hame 115 degree de rakha hai. Hame X ki value nikalni hai. To friends, kaise nikalenge? Dekhiye. ये दो पैरेलल लाइंस हैं तो ये एंगल इज इक्वल्स टू ये एंगल होगा. क्यों होगा? बिकॉज दीज आर द करस्पॉन्डिंग एंगल्स. तो एंगल पी ई एफ इज इक्वल्स टू एंगल ई जी एच इक्वल्स टू 85 डिग्री बिकॉज दीज आर द करस्पॉन्डिंग एंगल्स. अब इसको निकालने से ये फायदा हुआ कि ये स्ट्रेट लाइन है तो हम इसका ये पार्ट निकाल सकते हैं. तो देखिए एंगल जी सॉरी ई जी एच एंगल ई जी एच प्लस एंगल ये कौन सा पॉइंट है? ये हमारा है क्यू पॉइंट, राइट फ्रेंड्स. प्लस एंगल क्यू जी एच इज इक्वल्स टू 180 डिग्री बिकॉज दिस इज द स्ट्रेट लाइन और हमें पता है स्ट्रेट लाइन का एंगल 180 डिग्री होता है, राइट फ्रेंड्स. अब ई जी एच हमें पता है 85 डिग्री निकल के आया था प्लस हमें ये क्यू जी एच निकालना है इक्वल्स टू 180 डिग्री. तो एंगल क्यू जी एच कितना आ गया? 180 माइनस 85 ये आ गया 95 डिग्री, राइट फ्रेंड्स. नाउ अब हमारा ये एंगल निकल गया है. अब सिमिलरली ये एक स्ट्रेट लाइन है तो ये एंगल भी कैसे निकलेगा? 180 में से ये माइनस कर देंगे तो एंगल सी एच क्यू प्लस एंगल क्यू एच जी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. क्यों? क्योंकि वो स्ट्रेट लाइन है, राइट फ्रेंड्स. स्ट्रेट लाइन है, राइट. तो ये सी जी एच कितना, सी एच क्यू कितना दे रखा है? 115. ये हमें निकालना है इक्वल्स टू 180. तो क्यू एच जी कितना आ गया? 180 माइनस 115. तो ये 10 में से 5 गया 5, 7 में से 1 गया 65 डिग्री का हो गया. अब इन ट्राइंगल जी क्यू एच एंगल जी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल एच इक्वल्स टू 180 डिग्री होता है बिकॉज सम ऑफ एंगल्स इन ट्राइंगल इज 180. हमें पता है ट्राइंगल के साथ तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है. ये मैंने एंगल जी लिया है, ये एच लिया है और ये क्यू लिया है. अब जी एंगल ये वाला अंदर वाला कितने का आया था? ये हमारा 95 का. एंगल क्यू हमारा x डिग्री है और एंगल h आया हमारा 65 डिग्री का, राइट फ्रेंड्स. तो ये कितना हो गया? 10 कैरी 1 16 प्लस x डिग्री इक्वल्स टू 180. तो x कितना हो गया? 180 माइनस 160 दैट इज 20 डिग्री इज द आंसर. थैंक यू. इफ यू अंडरस्टैंड द स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन ऑफ दिस वीडियो, please subscribe my channel on maths and share it with your friends. Thank you.